महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सर्किट सीरीज में आज दर्शन करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल के, यहाँ पर शनिदेव खुले आसमान के नीचे बिना छत के दर्शन देते हैं। और मंदिर के आसपास के गांव शनि शिगनापुर में किसी घर, दुकान, यहाँ तक कि बैंक में भी ताला नहीं है। और शनि शिगनापुर का यह मंदिर मामा और भांजे की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। रूफलेस टेम्पल एंड लोकलेस विलेज ऑफ इंडिया, शनि शिगनापुर। नमस्कार। भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा में इस समय हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे धाम में जिसे कि कलयुग का न्याय देवता कहा जाता है। इस समय हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिगनापुर गांव में हैं और शिगनापुर गांव में स्थित है भगवान शनि देव का सबसे प्राचीन सिद्धपीठ, जिसके दर्शन करने के लिए देश और विदेश से भक्तगण आते हैं। भगवान शनि देव जी का ये मंदिर और ये शिगनापुर का आसपास का क्षेत्र कई विशेषताओं और रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे तो शिगनापुर गांव में जो भी भक्त लोग शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने आते हैं वो शिरडी से आते हैं ज़्यादातर लोग, जहाँ आसपास के जिस भी क्षेत्र से आते हैं वो एक ही दिन में 2-3 घंटे में यहाँ दर्शन करके वापस चले जाते हैं। शिरडी से आपको 200 से 250 रुपये तक टैक्सी मिल जाती है। आप शनि धाम में पहुँच सकते हैं शेयरिंग टैक्सी करके, और यहाँ पर आपको दर्शन करवा के वापस शिरडी छोड़ दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन हमने अपने लिए यहाँ पर रुकने के लिए जो शनिदेव ट्रस्ट द्वारा भक्त निवास स्थान बनाया गया है वहाँ पर हमें रुके थे। और ये हमें जो यहाँ पर पर्ची मिली है 300 रुपये में ये हमारा कमरा यहाँ पर बुक हुआ है, और 300 रुपये इन्होंने सिक्योरिटी ली है। और सबसे पहला जो शनिदेव महाराज जी के इस जगह पर हमें रोमांचकारी अनुभव हुआ वो यहाँ पर हमें जब कमरा मिला, यहाँ पर दरवाज़ों को देख रहे हैं, इस आसपास के क्षेत्र में 3 किलोमीटर के कोई भी घर में किसी भी तरह का ताला नहीं लगाया जाता। और शनिदेव संस्थान द्वारा भी जो यहाँ पर हमें कमरे दिए गए हैं तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई ताला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक हल्का सा पेज लगाया गया है और उसके साथ हमें ये पाला सा मिला, इसको हम लगाएंगे और ये खुल जाएगा। हाँ, ये देखिए। तो आइए अब आपको पहले रूम दिखाते हैं। रूम यहाँ अंदर भी जो बाथरूम में मिला है वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी लॉक नहीं। तो अभी हम अपना जो दरवाज़ा है इसको बंद करके भगवान शनिदेव महाराज जी के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ से संस्थान से जो मंदिर की दूरी है मात्र आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो भक्त निवास के आसपास ही आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप, यहाँ हमारा कमरा है उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ बसेज लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो शनि धाम में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी यहाँ पर हमें दुकानें दिखी हैं किसी पर भी दरवाज़ा नहीं आपको देखने को मिलेगा। जिस दुकान को अगर बंद करना होता है तो ये देखिए साथ वाली दुकान बंद है यहाँ पे, तो एक जैसे पर्दा लगा दिया जाता है। अभी हम शनि शिगनापुर धाम के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं। शनि देव जी को मुख्यतः घोड़े की नाल, नजर गेटी और सरसों या तिल का तेल चढ़ाया जाता है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपको एक खुले आसमान के नीचे भगवान शनि देव जी की काले पत्थर की प्रतिमा भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई देगी। ऐसा कौतुक आपको भारत के इसी शनि धाम में ही मिलेगा। यहाँ पर भगवान की प्रतिमा के ऊपर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है। हमने भी मंदिर में भगवान शनि देव जी को तेल अर्पित किया। खास रहस्य में विशेषता इस मंदिर की यह है कि भगवान शनिदेव मंदिर यहाँ 400 सालों से खुले आसमान के नीचे है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी शर्त नहीं है। और ये आप देख सकते हैं चाहे धूप हो चाहे बारिश हो भगवान शनिदेव इसी तरह से खुले आसमान के नीचे ही सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों की दृढ़ मान्यता है कि अगर उनके प्रभु इष्ट देव ही खुले आसमान के नीचे हैं तो उन्हें भी किसी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसीलिए ही यहाँ पर आपको किसी भी घर में ताला या कुंडी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे यहाँ सच में मतलब किसी घर में कोई भी ऐसे ताला या दरवाजा नहीं होता? नहीं होता। तो फिर चोरी का आपको कहीं डर नहीं रहता? नहीं रहता, भगवान है ना, शनि भगवान। शंकरपुर में कोई बैंक भी है क्या? है ना, तो वहाँ पर तो होता होगा। नहीं, वहाँ भी नहीं ताला। अच्छा, वहाँ पर भी ताला नहीं? कौन सा बैंक है यहाँ पे? यूको बैंक। शिगनापुर का यूको बैंक है। 2011 में भारत की जो पहली ब्रांच थी यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगाया गया। वैसे इन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट अपने हिसाब से यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे आपके वो बाथरूम वगैरह वहाँ पर दरवाजा? वहाँ भी नहीं। अच्छा, वहाँ पर भी पर्दा? पर्दा लगाने का सिर्फ। ठीक है, तो ऐसा ही है मतलब चाहे दुकान है चाहे घर है चाहे बैंक है।
हाँ, वह किधर भी ताला नहीं रहता, किधर भी ताला नहीं रहता। तो अभी हम शिगनापुर गांव की गलियों में हैं और मैं यहाँ पर एक किराना की दुकान है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है। आप अंदर आए थोड़ा सा देखिए ना, इस साइड कोई दरवाजा है ना, दुकान के उस तरफ कोई दरवाजा है, और अंदर यहाँ पर देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है और पूरी दुकान सजी पड़ी है, लेकिन इसको ऐसे ही बंद करके चले जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा लगाते हैं कि कोई भी जानवर या पशु अंदर ना आ जाए। अंदर जो भगवान शनि देव जी के काले रंग की पत्थर की प्रतिमा के हमने दर्शन किए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस प्रतिमा के ऊपर एक निशान दिखाई देगा। भगवान शनि देव का इस शिगनापुर गांव में स्थापित होने का जो पौराणिक इतिहास है वो 400 साल पहले से है, जब इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, और शनि देव जी की प्रतिमा पर जो निशान है उसका इतिहास भी इस बाढ़ के समय के साथ ही जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बारिश हो गई थी, वो बारिश में वो जो मूर्त है भगवान का वो बहते हुए आया था, तो गांव वाले लोग ने देखा कि ऐसा ऐसा बड़ा पत्थर है, तो उन्होंने उस लकड़ी से उसको टच किया पत्थर को भगवान को, तो उसमें से खून बहने लगा। जो मूर्त है भगवान का 5 फुट 6 इंच का उसकी लंबाई है, तो अभी भी जो लड़के लोगों ने टच किया था वो छेद अभी भी वो मौजूद है उधर, ऐसा है जख्म जो हुआ था। हाँ, फिर एक भक्त के स्वप्न में साक्षात शनि महाराज ने कहा कि मैं साक्षात सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ, मुझको उठाकर श्री मामा भांजे लेके जा सकते। शनिदेव मंदिर का एक और खास रोमांचकारी तथ्य कि यहाँ पर मामा और भांजा द्वारा की गई पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, और इसका जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है जब भगवान शनिदेव नदी में से जो प्रतिमा भगवान की लाई गई थी वो मामा और भांजे द्वारा लाई गई थी। मामा भांजे का पूजा का इधर महत्व होता है, एकदम प्रिय माना जाता है। जो मूर्त 100 आदमी को नहीं उठी वो मूर्त 2 मामा भांजे ने उठाई, 2 मामा भांजे और वो बैल जोड़ी, जो बैल भी कैसे मामा भांजे का ही होना चाहिए, काले ब्लैक। जिधर वो गाड़ी रुक गई बैलगाड़ी उधर उनकी स्थापना कर दी। सबसे शनि महाराज ने कहा है, शनि भगवान ने कहा है, इधर सब गांव वालों का रक्षण मैं करूँगा, इधर कोई चोरी भी नहीं होगा, जो चोरी करेगा उसको सजा भगवान खुद देता है, ऐसा है। मंदिर प्रांगण में ही जहाँ पर शनि देव जी की प्रतिमा है उसके बिल्कुल ऊपर नीम का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ भी कभी छाया नहीं कर पाता। उधर एक नीम का पेड़ है भगवान के बाजू में, नीम की छाव भगवान पर गिरी तो नीम की जो पेड़ का पत्ता है वो तुरंत जल जाता है। शनि देव जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी मंदगति भी है। मंदगति माने? बहुत धीमे चलते हैं शनिदेव जी। शनिदेव अच्छा। ये एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं। एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं, ताकि कोई ग्रह 40 दिन, कोई 20 दिन, कोई 50 दिन, कोई 1.5 महीने, कोई 1.5 साल। ये धीमी गति से इसलिए चलते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लेखा जोखा भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान ने अपना भक्त बना करके यहाँ बिठा रखा है। शनि देव जी के इस धाम में दिन में 3 बार आरती की जाती है। सुबह की आरती जहाँ पे कांकर आरती कहा जाता है उसे, उसके बाद दिन में 12 बजे और फिर अंतिम आरती सूर्यास्त के बाद, और शनि देव को तीनों आरती के समय एक नई धोती पहनाई जाती है जो ज्यादातर नीले रंग की होती है, क्योंकि शनि देव जी को काला और नीला रंग दोनों ही प्रिय हैं। तो अंदर जब हम शनिदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं तो एक तरफ आपको वहां पर बजरंग बली जी की प्रतिमा भी दिखाई देगी। बजरंग बली जी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब हनुमान जी सीता मैया जी की खोज में लंका में आए, तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें शनि देव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया और रावण की जेल से निकलने के बाद शनि देव जी ने हनुमान जी का धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। और आज भी शनि धाम में जितनी बार शनि देव जी की पूजा की जाती है उनके बगल में बैठे हुए बजरंग बली जी की पूजा भी उतनी बार ही की जाती है। ये यहाँ पर बर्फी का काउंटर है मंदिर प्रांगण में ही, 20 रुपये का एक पैकेट है, और ये जो बर्फी है वह नारियल की बनाई जाती है, काफी स्वादिष्ट था ये प्रसाद भी।
भक्त निवास के साथ ही आपको यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा जो भोजनालय चलाया जाता है वो मिलेगा। यहाँ पर सुबह 10:30 से लेकर 3 बजे तक और शाम को 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको भोजन प्रसाद मिलता है। एक बंदे का यहाँ पर 50 रुपये शुल्क लगता है और उसमें आपको थाली में भोजन सर्व किया जाता है। अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र में माना जाता है गन्ने की फसल के लिए। आप ये देख सकते हैं पीछे, और जो इसका यहाँ पर जायका वो हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से वहाँ पर हमने ट्राई किया, वो आपको दिखाते हैं। तो शिरडी से जब आप शनि शिंगणापुर की तरफ आएंगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा एक कि यहाँ पर जो गन्ने का रस निकाला जाता है वो देखिए, बैल उसको पूरा घुमा रहा है तो उस तरीके से भी गन्ने का रस निकल रहा है, इसका जो स्वाद भी होगा वो अलग ही होगा। तो यहाँ पर जब भी आप शनि शिंगणापुर की तरफ जाएं तो रास्ते में इस गन्ने के रस का जो जायका वो ज़रूर लें। शनि शिंगणापुर में वैसे आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो स्थानीय लोगों ने बताया, मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है बब्बन बड़ा पाव करके, वहाँ का बड़ा पाव बहुत भीड़ रहती है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज में हम आपको अगले एपिसोड में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे।